लोग पूछते हैं, पेशेंट्स पूछते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट के बाद हमें क्या क्या एक्सरसाइज घर पे करनी चाहिए। कुछ एक्सरसाइज होते हैं जब हम आपको हॉस्पिटल में सिखाते हैं, बहुत बेसिक एक्सरसाइज होती है जिसमें वॉकिंग, वॉकिंग विद वॉकर, वॉकिंग विद स्टिक, स्टेयर क्लाइंबिंग, सीढ़ियाँ चढ़ना सब सिखाते हैं आपको। लेकिन जब आपकी सर्जरी हो जाती है, जब आप घर चले जाते हैं, तो घर जाके कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए वो आज अल्ताफ हमें दिखाएंगे। इनकी सर्जरी हुई थी लेफ्ट हिप रिप्लेसमेंट, इसको 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और ये क्या क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं एंकल एक्सरसाइज। एंकल पम्प्स इसको कहते हैं हम। इसमें हमारी जो काफ मसल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। अब देखें, पूरा ऊपर तक लेके जाना है एंकल को, फुट को, इसे एंकल की पूरी मूवमेंट होती है, फिर पूरा नीचे लेके जाएंगे मैक्सिमम। तो इससे हमारी जो ये मसल्स हैं ये स्ट्रांग हो जाती हैं। नंबर टू, नंबर टू रोल बना के नीचे रखना है। रोल बना के नीचे रखते हैं, एक ऐसे हम रोल रख लेते हैं नीचे। फिर आप कैसे करते हैं? यस, फिर हम मसल्स को टाइट करते हैं, तो आप एंकल को बोलते हैं। और एंकल आपका ऊपर लिफ्ट होता है जब भी आपकी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रांग होगी। एक मिनट करें, ऐसे कोई रोल लगाते हैं नीचे और इसको जैसे ही टाइट करेंगे तो आपका एंकल बेड से लिफ्ट हो जाएगा। ये होती है क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। तो इससे आपकी थाई मसल स्ट्रांग होती है, जिसपे हमारा सारा बैलेंस और जो हम चलते हैं सीढ़ियाँ चढ़ते हैं वो तो इसी मसल के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर थ्री, नंबर थ्री एंकल के नीचे पंप। यहाँ लगाते हैं और प्रेस करते हैं। हम एक रोल को यहाँ लगाएंगे और एंकल को जब प्रेस करेंगे तो बेसिकली आपकी ये मसल्स हैं ये काम करती हैं, और आप बेड को प्रेस करते हैं। फिर करिए, एंकल को पुल करके हम नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, तो बेसिकली हमारे जो ग्लूटियल मसल्स हैं ये काम करती हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड आउट। तो बेसिकली आप पैर को बाहर ला रहे हो और अंदर लेके जा रहे हो। तो इसमें हमारे जो अबडक्टर और अडक्टर, जो साइड वाली मसल्स हैं, ये काम कर रही हैं। लेकिन हम ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं हैं, हम ग्रेविटी के पैरेलल चल रहे हैं। तो इनिशियल स्टेज में जब मसल इतनी कमजोर, इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं, तो हम एंटी ग्रेविटी नहीं कर सकते हैं, तो हम ग्रेविटी के पैरेलल चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको हम पेल्विक लिफ्ट कहते हैं। इसमें आपकी जितनी एक्सटेंसर मसल्स हैं, ग्लूटियल एंड लोअर बैक, ये सारी मसल्स काम करती हैं। एक बार फिर है, तो आप देख रहे हैं हम एल्बो की सपोर्ट ले रहे हैं, लेग्स की सपोर्ट ले रहे हैं, और जो ट्रंक है बिल्कुल पैरेलल है विद द थाइस। इसको होल्ड करते हैं थोड़ी देर एंड देन कम बैक। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये भी हम अबडक्टर मसल्स, साइड मसल्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब हम अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज पेशेंट थोड़ी सी रिकवरी के बाद शुरू कर पाते हैं, क्योंकि इनिशियली आप नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपके यहाँ स्टिचेस होते हैं और आपकी मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं। इसमें ध्यान से आप देखिए, इन्होंने लोअर लेग को बेंड कर लिया है, इससे आपकी स्टेबिलिटी आ गई है, आपका जो बॉडी है वो रोटेट नहीं करेगी, फॉल नहीं करेगी आगे या पीछे की तरफ। एक बार फिर करो, नी बिल्कुल स्ट्रेट है और अराउंड 30 डिग्री 40 डिग्री तक आप लिफ्ट करते हैं, होल्ड करते हैं थोड़ी देर एंड देन यू कम डाउन स्लोली। ये सारी मूवमेंट्स बहुत स्लोली और ग्रेजुअली करनी है, किसी भी जर्की या सडन मूवमेंट्स के साथ नहीं करनी है। नेक्स्ट, वेट रख के एक तरह की और ऐसे मारना है। एक वेट कफ हम ले लेते हैं जिसका वेट हम वेरिएबल होता है, हम 1/2 kg से स्टार्ट करते हैं, तो 1 kg 2 kg डिपेंडिंग ऑन योर मसल स्ट्रेंथ। तो ये वाली, ये क्वाड्रिसेप्स की नेक्स्ट स्टेज की एक्सरसाइज है। इसमें बेसिकली हमारी ये मसल क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रांग होती है, एंड एवरी टाइम आप देख रहे हैं एंकल को ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जब हम नीचे की तरफ जाएंगे, एक बार करो, जब ऊपर आएंगे तो एंकल को ऊपर की तरफ पुल करेंगे, जब आपकी लेग डाउन जाएगी तो हम बिल्कुल रिलैक्स कर लेते हैं और एंकल फुट आपका नीचे की तरफ जाता है। नेक्स्ट, ये हाफ स्क्वाट्स, थाई बिल्कुल ग्राउंड के पैरेलल आ रही है, जो थाई है आप थोड़ा उधर फिर देखिए, आप थाई ग्राउंड के पैरेलल है। ये काफी स्ट्रांग एक्सरसाइज है, इसके लिए ग्लूटियल और क्वाड्रिसेप्स मसल आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे और ये बहुत अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं। ये काफी एथलेटिक पर्सन कर पाते हैं, सब लोग नहीं कर पाएंगे इसको। हाँ जी, नेक्स्ट, करिए
ये अगेन आपकी अबडक्टर मसल्स जो ग्लूटियस मीडियस मसल होती है उसके लिए होती है, आप अपने लेग के वेट को ही यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसमें अगेन हम थाई को पैरेलल टू द ग्राउंड ला रहे हैं, इसको करने में हमारी जो ये फ्लेक्सर मसल्स हैं यहाँ की उनकी एक्सरसाइज हो रही है, जो स्मॉलर मसल्स होती हैं उसके साथ साथ आपकी स्ट्रेचिंग हो रही है बैक की, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हैं जो हमारे पास काफी दिनों के बाद सर्जरी कराने आते हैं और उनकी मसल्स टाइट हो जाती है, तो ये दोनों तरह काम करता है, पोस्टीरियर मसल्स को स्ट्रेच करते हैं और फ्रंट मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, क्योंकि हम पेशेंट्स को जॉगिंग के लिए मना करते हैं तो इनिशियली आपकी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग के लिए इसमें हम वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। अगर इस एक्सरसाइज को हम एंकल पर एक वेट बांध कर करें तो ये एक्सरसाइज हम अपनी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो हम कितनी भी अच्छी सर्जरी करें अगर पेशेंट फिजियोथेरेपी नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हम कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ये एक टीम है, सर्जन एंड द पेशेंट, फैमिली एंड द पीपल हु आर वर्किंग इन द हॉस्पिटल, तो ये एक बहुत बड़ी टीम है। इसमें कोई भी मेम्बर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर पूरी तरह नहीं करेगा तो रिजल्ट खराब होगा। अल्ताफ का फ्रैक्चर डिसलोकेशन हुआ था कुछ साल पहले, उसमें जो ट्रीटमेंट हुआ उससे ठीक नहीं हुए, तो लास्ट ईयर ये हमारे पास आए थे, इनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ और इनका मूवमेंट्स, इनका रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। पर उसका रीज़न सिर्फ अच्छी सर्जरी नहीं है, इन्होंने बहुत मेहनत की है, इन्होंने बहुत सिंसियरली वो सारी चीज़ें फॉलो की हैं जो हमने इनको बताई थी। अल्ताफ, बहुत सारे पेशेंट जो सर्जरी करा लेते हैं लेकिन वो रिजल्ट से खुश नहीं है, उनकी मसल्स वीक हैं, आप उनको कुछ कहना चाहें? आपने रूटीन कैसे बनाया, कैसे मतलब किया कि आपने इतनी मेहनत क्यों किया? इतनी मेहनत मैंने अपनी लाइफ को पाने के लिए की कि फिर से वैसा लाइफ मिले, मेहनत जो की है उसका रिजल्ट दिख रहा है। कितना चल लेते हो, कितना वॉक कर लेते हो? जितनी मर्जी हो उतना चल लेता हूँ सर, इसमें कोई नहीं है कि 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, मुझे तो मजा आता है चलने में क्योंकि इतने दिनों से मैं चला नहीं। तो आई थिंक ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, जिनको इंजरी नहीं है, जिनकी सर्जरी नहीं हुई है, उनके लिए चलना एक नॉर्मल बात है, लेकिन जिस इंसान ने वो चीज़ लूज कर दी थी अब वो उसकी कीमत समझ रहे हैं और उसको रिगेन करने के लिए, वापस पाने के लिए उन्होंने मेहनत की है और रिजल्ट हमारे सामने। तो मैसेज इस कि सर्जरी के बाद आपकी घर जाकर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिसमें एक्सरसाइज करना इज वन ऑफ देम। वैसे भी बहुत सारी चीज़ें जो आप बताते हैं, तो हमारी बात को ध्यान से सुने। अल्ताफ का रिजल्ट और एक्सरसाइजेज आपने दोनों देखी हैं, तो प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन जो भी आपके सर्जन बताए।